वेलकम टू टेक्निकल शिजा, और मेरा नाम है सोनिया। मैं आज आपको सिखाऊंगी कि आपने वीडियो एडिटिंग किस तरह से करनी है, चैनल किस तरह से बनाना है, उसका नाम, हैंडल और उसकी सेटिंग किस तरह से करनी है। ये हम लोग ऑलरेडी सीख चुके हैं। ये सारी चीज़ें आप हमारे प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, जो कि आपको ऊपर आई बटन के अंदर भी मिल जाएंगे और डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी मिल जाएगा। अब हम आते हैं इस तरफ कि आपने वीडियो किस तरह से बनानी है। लास्ट वीडियो के अंदर कुछ टिप एंड ट्रिक्स मैंने आपको सिखाई थी कि वीडियो बनानी किस तरह से है। अब आज के टाइम पर भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि नहीं जानते कि आपको एक साथ पूरी की पूरी 10-15 मिनट की वीडियो बनाने की ज़रूरत नहीं होती है। आप टाइम टू टाइम अलग अलग टाइम पर छोटे छोटे क्लिप्स रिकॉर्ड कर सकते हो और उनको एक साथ जोड़ सकते हो, या वीडियो के अंदर 10 मिनट की वीडियो के दरमियान अगर आपसे कोई गलती हो चुकी है तो आप उसको रिमूव कर सकते हो। और इसके अलावा बहुत सारी टेक्निक्स हैं जो कि आप अपना सकते हो। तो हम यहाँ पर अब सीखने जा रहे हैं एडिटिंग। एडिटिंग जो है वो मैं आपको मोबाइल पर ही सिखाऊंगी, कैपकट के जो है उसके ऊपर सिखाऊंगी, लेकिन बहुत जल्द इंशाल्लाह हमारा प्रीमियर प्रो का भी कोर्स जो है वो अवेलेबल हो जाएगा, तो वो भी आप देखिएगा। इसलिए चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अब हमारे चैनल के ऊपर बहुत बेहतरीन कोर्स आने वाले हैं जो कि आप बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकते। तो इसी के साथ हम अब स्टार्ट करते हैं हमारी ये वाली वीडियो, जहां पर अब हम कैपकट के बारे में बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे। अगर आपको नहीं पता कि कैपकट क्या है, तो कैपकट का जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। आप वहाँ पर से जाके प्ले स्टोर से फ्री में उसको डाउनलोड कर सकते हैं। अच्छा, अब हम कैपकट के ऊपर आ जाते हैं। जैसे आप कैपकट ओपन करेंगे ना, यहाँ पर आपके पास ये सरफेस शो होगा, जो ये बनी हुई है ना सारी चीजें, ये शो नहीं होंगी क्योंकि ये मेरे प्रोजेक्ट है। यहाँ पर जैसे कि लिखा हुआ भी नजर आ रहा है, जो बाकी सारी चीजें हैं वो वैसे के वैसे ही आपको शो होंगी। आपने ना यहाँ पर न्यू प्रोजेक्ट पर आ जाना है। न्यू प्रोजेक्ट पर जैसे आप क्लिक करोगे ना, तो ये आपकी गैलरी के साथ ओपन हो जाएगा। तो जो आपने वीडियोज बनाई होंगी ना, वो आपने क्लिक करनी है, उनको एड कर देना है। यहाँ तक समझ आ गई ये मैंने कैसे किया है? ठीक है, आपने कैपकट पहले यूज किया हुआ है कभी? नो। अच्छा, नेक्स्ट हमारी क्या चीज है? आपने एंड पे आना है। एंड पे आके यहाँ पर ये एंडिंग है, इसको आपने डिलीट कर देना है। डिलीट का ऑप्शन ये जो नीचे बार को मैं मूव कर रही हूँ, यहाँ पर नीचे आपको मिलेगा डिलीट का ऑप्शन। पहले तो आपने जिसको डिलीट करना है उसको सिलेक्ट करना है और फिर उसको डिलीट कर देना है। ठीक है, एंड पर उन्होंने ना दिया होता है अपना एक लोगो, तो हमें वो लोगो नहीं दिखाना, तो हम उसको सिलेक्ट करके डिलीट कर देंगे। मैं चाह रही हूँ ये पार्ट यहाँ से लेके यहाँ तक डिलीट हो जाए, तो उसके लिए मैं क्या करूंगी, इस वीडियो को करूंगी सिलेक्ट। यहाँ पर नीचे जैसे मैं सिलेक्ट करूंगी, नीचे आ जाएगा ऑप्शन स्प्लिट का। जैसे स्प्लिट करूंगी ना, ये वीडियो जो है अब दो टुकड़ों में बट जाएगी, ये एक हो जाएगा और ये दूसरा हो जाएगा। और अब मैं जहां तक चाहती हूँ ना वहां तक कट करना, उसको वहां से सिलेक्ट करके स्प्लिट कर दूंगी। ठीक है, और ये दरमियान से आके ये मैंने डिलीट कर दिया, तो दो जो पार्ट मैं चाहती हूँ दरमियान से डिलीट करना वो डिलीट हो जाएगा। ठीक है, डिलीट का ऑप्शन किधर है? ये जैसे आप इसको सिलेक्ट करेंगे ना, किसी भी इमेज को या किसी भी वीडियो को, तो यहाँ नीचे जो आपके पास ऑप्शन शो होंगे, इसमें 1, 2, 3, 4 फिफ्थ नंबर पे है। ठीक है, कोने में। इसके अलावा एक दो और तरीके हैं, वो भी मैं आपको बता देती हूँ किस तरह से हमने इसको शॉर्ट करना है। अगर आप चाहते हो इधर तक डिलीट करना, तो आप इसको सिलेक्ट करके ये वाइट वाइट जो आपको इसके इर्द गिर्द चीज नजर आ रही है, इस वाइट को आपने पकड़ना है और ये यहाँ तक ले आना है, इस लाइट तक ले आना है। ये ऑटोमेटिकली यहाँ तक आके डिलीट हो जाएगा। मेन जो ये वाइट वाली लाइन आपको नजर आ रही है ना, जो ऊपर से लेके नीचे तक है, ये चीज मैटर रखती है। ये जहां पर भी आप रखोगे, ये जिस जगह भी आप रखोगे, वो चीज जो है सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होगी और मेन फोकस्ड होगा हमारा। जैसे कि इसको यहाँ पर रखकर व्हाइट बॉक्स को व्हाइट लाइन के साथ मिला दिए, तो यहाँ तक ये हो गया डिलीट। अच्छा, उसके अलावा आपको दो चार जरूरी चीजें मैं बता देती हूँ। ये चीजें ना आपने लिख कर रख लेनी है, जो मैं अभी आपको बताने लगी हूँ। सबसे पहले ऊपर आप देखोगे ना, तो 1080p लिखा हुआ है जी। ठीक है, ये इसकी है रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ ऊपर लिखा हुआ आपको नजर आ रहा है, जहाँ रेजोल्यूशन लिखा हुआ है। तो रेजोल्यूशन क्या होती है, आपने आपको पता है जब हम पहले जमाने में टीवी देखा करते थे, तो छोटे बॉक्स वाले टीवी हुआ करते थे, तो उसमें कैसे झिरमिर झिरमिर सी आती थी, है ना? तो वो है ये 480p रेजोल्यूशन। ठीक है, और जैसे कि अब हम देखते हैं
टीवी देखते हैं या काफी बड़ी स्क्रीन देखते हैं तो उसमें भी HD रिजल्ट आ रहे होते हैं, वो होती है 2K, 4K, 8K, 16K। जो कैपकट है वो 2K और 4K तक ही आता है, लेकिन जो प्रीमियर प्रो है जो लैपटॉप या कंप्यूटर में चला सकते हैं वो 8K या 16K तक भी जाता है, जो कि आप सिनेमा के अंदर भी वीडियो लगा के देख सकते हो। अच्छा, नेक्स्ट है हमारा फ्रेम रेट। जो वीडियो होती है ना, चाहे आप मोबाइल पे शूट करो चाहे आप कैमरा से शूट करो, जो भी वीडियोज होती हैं, अब उनका स्मूथ चलने का या अटक अटक के चलने का एक वजह होती है। वो वजह क्या होती है कि वीडियो भी दरअसल तस्वीर ही है। एक वीडियो के अंदर एक सेकंड में कितनी तस्वीरें ली जाएंगी, इसी के ऊपर डिपेंड होता है कि उस वीडियो की क्वालिटी कितनी अच्छी होगी। एक सेकंड के अंदर वो 24 तस्वीरें लेती है, 25 लेती है, 30 लेती है, 50 लेती है या 60 तस्वीरें वो खींचता है। ये कब सेट करनी है और कैसे सेट करनी है, ये जो आप कैमरे में वीडियो बना रहे होगे ना अपनी, तो उसके मुताबिक आपने सेट कर लेनी है। नॉर्मली 25, 28 या 30 फ्रेम्स होते हैं, तो आप नॉर्मल जो है अपने फ्रेम रेट अपना 30 ही रखना है या 28 रखना है, इससे ऊपर नीचे नहीं रखना। हाँ, अगर आप कोई बहुत हाई रेजोल्यूशन कैमरा पे वीडियो शूट कर रहे हो तो फिर आप 50 या 60 रख सकते हो। अच्छा, अब ये है कोड रेट, इसको आप अपना हाई ही रख लो। इससे आपकी जो वीडियो की इमेज क्वालिटी होगी ना वो और ज्यादा बेटर हो जाएगी। ये सेटिंग मैं आपको इसलिए सिखा रही हूँ, ये सेटिंग आपने इसलिए करनी है, ये सेटिंग जितनी अच्छी होगी ना वीडियो की क्वालिटी उतनी ही ज्यादा अच्छी होगी। अब क्या है कि लोग जो है ना आजकल के टाइम पे HD वीडियो देखना ही प्रेफर करते हैं। आज के टाइम पे कोई वो डब्बे वाले टीवी के जैसे झिरमिर झिरमिर वीडियोस होती है ना, वो देखना कोई भी पसंद नहीं करता। तो आपकी वीडियो की क्वालिटी जितनी अच्छी होगी ऑडियंस आपके साथ उतना ही ज्यादा कनेक्ट कर पाएगी। जो लिखने वाली अब चीज है ना वो अब आ रही है इसमें। जब किसी भी फाइल को सिलेक्ट नहीं किया होगा ना हमने, तब ये वाले ऑप्शन हमारे पास आएंगे। एरो से मैं पीछे जा रही हूँ। यहाँ पर ये देखें, ये चीज है लिखने वाली मेन के, एक मिनट, पीछे चला गया वो। रेशोज, एस्पेक्ट रेशो, ये ना आपने चीज लिख लेनी है, इसको याद कर लेना है, अपने जहन में बिठा लेना है। चाहे आप बनाओगे थंबनेल, चाहे आप ग्राफिक डिजाइनिंग करोगे, चाहे आप वीडियो एडिटिंग करोगे, कोई भी आप जब चीज करने लगोगे यूट्यूब के हवाले से या किसी भी डिजाइनिंग के हवाले से, तो एस्पेक्ट रेशो जो होगा ना वो आपकी मेन चीज होगी और उसके ऊपर आपका सबसे ज्यादा फोकस होना चाहिए। अगर तो आपका एस्पेक्ट रेशो जो है वो ठीक है तो आपकी वीडियो या आपकी फोटो या आपका थंबनेल जो है वो ठीक बनेगा, लेकिन अगर आपका एस्पेक्ट रेशो जो है वो ठीक नहीं है तो फिर आपकी कोई भी चीज पे कितनी मेहनत लग जाएगी तो वो कभी भी ठीक नहीं बनेगी। यहाँ पर अगर हम एस्पेक्ट रेशो के ऑप्शन में जाएं तो यहाँ पर है हमारे पास 9:16। ये सबसे पहले तो ओरिजिनल के बारे में बात कर लेते हैं। जो आपकी वीडियो शूट हुई होगी वो होगा आपका ओरिजिनल। ओरिजिनल नेक्स्ट है हमारे पास 9:16, ठीक है। अच्छा, 9:16 है ना वो टिकटॉक वाला साइज होता है, इससे आपकी टिकटॉक की जो वीडियोस है ना वो शूट हुआ करेंगी। आपने वीडियो एडिट करने से पहले जो इसके रेशो होंगे वो सिलेक्ट कर लेने आपने। सेकंड है 1:1, ये बॉक्स का रेशो होता है। ये हमारी वीडियो जो है आप बॉक्स बन गई है, तो ये बॉक्स का रेशो होता है, ये मोस्टली इंस्टाग्राम पर यूज होता है। नेक्स्ट है हमारे पास 16:9, ये यूट्यूब वीडियो का होता है एस्पेक्ट रेशो, तो इसके ऊपर आप यूट्यूब वीडियो को एडिट करोगे। उसके अलावा हमारे पास और भी डिफरेंट डिफरेंट साइजेस है जो डिफरेंट चीजों के लिए हमारे पास इस्तेमाल होते हैं और डिफरेंट इनके ना इस्तेमाल होते हैं, लेकिन फिलहाल आपको इनकी इनको जानने की इतनी हाँ जरूरत नहीं है। मेन आपके लिए अभी के लिए सिर्फ दो ही हुआ करेंगे, एक तो टिकटॉक वाला है और दूसरा है यूट्यूब वीडियो वाला, ठीक है। Yes. अच्छा, यहाँ पर आपको एस्पेक्ट रेशो वगैरह समझ आ गया सारा? Yes. इसमें कोई कंफ्यूजन वगैरह तो नहीं है? पहली बार जो ओरिजिनल वीडियो है, दूसरे वाला टिकटॉक पे अगर वीडियो बनानी है तो वो वाला सिलेक्ट करना है, तीसरा इंस्टाग्राम का और चौथा जो वो यूट्यूब। नहीं, आपने ये नहीं याद रखना पहला दूसरा तीसरा, इस तरह से नहीं याद रखना। ये जो आपने लिख कर रखना है ना वो यही है, लिख के लिखना है एक तो, दूसरा इन चीजों को याद रखना है। इनका नंबर है 9:16। आप कोई भी इन फ्यूचर ऐप चेंज करते हो, मतलब कैपकट से हटके किसी और को यूज करते हो, प्रीमियर प्रो यूज करते हो, तो आपको हमेशा ये याद रखना पड़ेगा कि 9:16 मतलब वर्टिकल साइज यानी कि टिकटॉक का साइज। और दूसरी चीज जो है वो याद आपने रखनी है, वो है
16:9 के नीचे लिखे 1080, आगे लिखे मल्टीप्लाई, नहीं 20 अच्छा अभी जो 16 अभी नेक्स्ट लिखे 16:9 और इसके नीचे लिख दे 1920 1080। एक वर्टिकल है जो कि हमारे टीवी का साइज होता है, और सॉरी एक वर्टिकल है जो कि हमारे मोबाइल का साइज होता है, और एक हॉरिजॉन्टल है जो कि हमारे टीवी का साइज होता है। अब एक और चीज है, ये जो मैं आपको चीजें सिखा रही हूँ और जिस तरह से मैं आपको सिखा रही हूँ, जरूरी नहीं है कि आपने कैपकट यूज करना सीखा है तो आप अब सारी जिंदगी जो है वो कैपकट के ही होके रह जाओ। नहीं, जैसे ही आपको पता लगेगा मार्केट में कोई न्यू ऐप आ गया या कोई ऐसी चीज आ गई जो कैपकट से ज्यादा अच्छी है, तो आप उसके ऊपर मूव कर जाओगे। और आप जब उसके ऊपर मूव करोगे ना, तो ये जो चीजें मैं आपको सिखा रही हूँ ये अपने जहन में रखनी है, क्योंकि वहां पर भी यही सेम चीजें होंगी, इससे हटके कुछ नहीं होगा। ठीक है, अभी तक आपने कैपकट के अंदर जो भी सीखा है उसमें अगर कोई कंफ्यूजन हो तो बता दें। हाँ, मैंने आपको कहा है कि आपके कंटेंट के ऊपर आप तवज्जो दें, जो आपका कंटेंट है आपको हर तरह से उसके अंदर नॉलेज होना चाहिए। आप मुझे कह रहे हो कि मेरा इतना नॉलेज होना जरूरी नहीं है, क्योंकि मैंने वही बातें बोलनी है जो कि सामने वाला बोल रहा है, मैंने उसके ऊपर रिएक्शन देना है। ठीक है, अब मैं आपको एक मिसाल देती हूँ। क्या आपको पाए पकाना आता है? नो। अच्छा, कोई एक बंदा है, उसने पहले पानी डाला है, उसके बाद गोश्त डाला है, उसके बाद उसने घी डाल दिया है, तो क्या ये उसने ठीक काम किया? आपको कैसे पता? नहीं, आपको तो पाए बनानी नहीं आती। हो सकता है उसने ठीक काम किया, तो आपने तुक्का मार के क्यों कहा कि नहीं सही काम किया? पहले उनको भूनेंगे तो फिर ही वो बाद में इसका शोरबा बनाए। उसने पहले पानी डाला, ठीक है, फिर गोश्त डाल दिया, और फिर एंड पे उसने घी का चलो तड़का लगा दिया, या घी वैसे ही उसने डाल दी, तो हो सकता है कि उसने ठीक काम किया, लेकिन हो सकता है आपको लगे कि उसने गलत काम किया है और आप उस पे हंसने लग जाओ। इसी तरह सिमिलर है कि हो सकता है कोई बंदा एक्चुअल में, आप ठीक है इस्लाम के ऊपर फनी कंटेंट बनाना चाहते हो, लेकिन इसका ये तो मतलब नहीं है कि आपको कोई नॉलेज ना हो और आप उसके ऊपर हंस रहे हो, या आप उसका मजाक उड़ा रहे हो, या आपको ऐसा लग रहा है कि ये फनी है, पर एक्चुअल में वो फनी नहीं है। ठीक है, बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो कि ठीक है फनी होती है, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो कि फनी नहीं होती है और वो इंसान को समझ नहीं आती। अगर आपका फैशन का कंटेंट होता तो मैं लाजमी आपको कहती कि आप ये मैगजीन है इसको आधा घंटा लगा के पढ़ो, या ये आर्टिकल्स हैं इनको आप 5-5 पेजेस के पढ़ो। अब आपका कंटेंट है इस्लाम का, तो इस्लाम के लिए सबसे बेहतरीन जो बुक है वो है कुरान। कुरान के आप डेली 5 पेजेस पढ़ोगे तभी तो आपको समझ आएगा ना कि इस चीज पे हंसना है, इस चीज पे खामोश रहना है, इस चीज पे ये बंदे ने गलत बात बोल दी है, इस चीज पे इस बंदे ने ठीक बात बोली है। एक रिव्यूअर का काम क्या होता है? यही होता है ना कि वो रिव्यू करे कि सामने वाले जो है चीज वो सही है या गलत है। अच्छा, जो मैं आपको कल स्क्रीनशॉट सेंड किए थे, वो बंदे सामने नहीं आ रहे ना, वो बोल रहे हैं वो सिर्फ उन्होंने काफी तेज किए, उनका भी तो देखो लाख लाख व्यू आ रहे हैं, तो क्या उनको नींद नहीं आ रही इसकी? मैं आपको बताती हूँ, ये अच्छा कि आपने मुझे जवाब सवाल याद करा दिया, इसके ऊपर मैंने डिस्कशन करनी थी, मैं काफी टाइम से सोच रही थी क्या चीज थी जिसके ऊपर मैंने डिस्कशन करनी थी, तो वो यही चीज थी। अच्छा, एक चीज मेरी बात आप अपने ना जहन में बिठा लें, हर बंदा मोनिटाइजेशन के लिए यूट्यूब पर अर्निंग नहीं करता है। ठीक है, अब ये है कोई बंदा है उसने मुझे 10,000 रुपए दिए, 10,000 रुपए दे के अक्सर म्यूजिशियन पॉलिटिशियन और इस्लामिक जो होती है ना पर्सनैलिटीज वो ये काम करती हैं। कोई बंदा है उसने मुझे 10,000 दिए हैं, उसने मुझे कहा है कि तुमने एक यूट्यूब पर चैनल बनाना है, उस पर तुमने मेरी वीडियोस डाल दे जाना है। अब यूट्यूब मुझे इसके बदले कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक भेजे, मुझे डॉलर दे या ना दे, मेरी अर्निंग इससे जीरो हो जाए या कुछ भी हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। अब मुझे सामने वाला बंदा पे कर रहा है, मुझे यूट्यूब से कोई कंसर्न है ही नहीं। ऐसा ही है,
हर बंदा ये सोच लेके नहीं आता कि भाई मैंने YouTube के AdSense से अर्निंग करनी है। बहुत सारे लोगों को पीछे से पे किया जाता है कि आपने मेरी वीडियोस जो है वो बनानी है और डालनी है, तो मैं आपको खुद पे करूंगा। ये चीज होती है। तो दूसरे यूट्यूबर ये समझते हैं कि अच्छा, इसने तो कोई आवाज भी नहीं डाली, इसने तो कुछ भी नहीं किया हुआ, इसने बस उठा के सामने वाले की वीडियो डाल दी है, तो इसके लाख लाख व्यूज आ गए हैं, तो इसको तो बड़े पैसे आते होंगे या डॉलर आते होंगे। तो नहीं, उनको डॉलर यूट्यूब तो नहीं देता है, लेकिन जिन लोगों ने उनको हायर किया होता है वो उनको जरूर 5,000-10,000 तक दे देते हैं। और बहुत सारे फैन पेजेस भी होते हैं, लोग फैन पेज के ऊपर वीडियोस डालते हैं, जब उनके 1 मिलियन 10 मिलियन हो जाते हैं, उसके बाद वो पिछली सारी वीडियो डिलीट करते हैं और फिर अपनी वीडियो बनाना शुरू करते हैं, और उसके बाद उनकी अर्निंग शुरू होती है 1 से 2 मिलियन या 10 मिलियन के बाद। उसमें भी अगर उनकी किस्मत अच्छी निकली और चैनल डिलीट ना हुआ तो, अदरवाइज नहीं। और जो सीधा सीधा तरीका है पैसे कमाने का, उसमें आपका चैनल डिलीट नहीं होगा, आपकी ग्रोथ जो है वो स्लो होगी, लेकिन आपकी अपनी ऑडियंस बन जाएगी। और हाँ, दूसरी बात ये क्या बोल रहे थे कि 4-4 बजे तक मैं किस चीज पे काम करूंगा। एक चीज तो ये कि आप अपने जहन में बिठाओ कि मेहनत तो मैंने करनी है और 4 बजे तक भी मैंने जागना है। किस चीज पे जागना है अभी फिलहाल उस बारे में ना सोचो आप, वो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बता दूंगी, वो भी टाइम आएगा लेकिन, ठीक है, मेहनत करने की वजह से। और दूसरी चीज ये कि अभी आपका बिल्कुल स्टार्ट है, अभी टेंशन लेने की बजाय आप जो चीजें आपने सीखी है उनको पॉलिश करने पे आप ज्यादा फोकस करो, क्योंकि मुझे ये नजर आ रहा है कि जो वीडियोस मैं आपको रिकॉर्ड करके भेजती हूँ आप उनको दोबारा नहीं सुनते। एक बार ही सुनता हूँ उसके बाद। और आप प्रैक्टिस, आई डोंट नो आप करते हो या नहीं करते, पर अभी ऐसा प्रैक्टिस करने वाला कुछ है नहीं हमारे पास। आज मैंने जो आपको दिया है ना, उसकी आपने प्रैक्टिस लाजमी करनी है। क्यों नहीं की? वो जो आपने मुझे पहले क्लास से दी थी ना, वो थी लैपटॉप पे आपने सेटिंग की। वो कह रहे थे कि आपकी ये अपनी नहीं है, तो ये आपने बाद में किसी से करवानी ही पड़ेंगे आपको। फिर उसमें मैं क्या प्रैक्टिस करता, तो इसलिए तो मैंने, ठीक है चले, मसला नहीं। अभी जो मैंने आपको दिया ना, आपने उसमें लाजमी प्रैक्टिस करनी है। और देखिए, मेहनत पूरी रखनी है। मिस कवल ने आपको क्यों कहा था कि ये इजी है, जब आप अमेजोन या शॉपिफाई पे जाते हो ना, तो आपको सामने वाले क्लाइंट से इंग्लिश में बात करनी पड़ती है। इसके अलावा आपको पूरा अपना हिसाब किताब रखना होता है, आपको अपने बिल्स देखने होते हैं, पूरा अपना टैक्स वगैरह देखना होता है, आपके डॉक्यूमेंट्स जमा कराने होते हैं, ये चीज वो चीज। लैपटॉप के अलावा भी वो A to Z इंग्लिश ही है, जो भी उसकी चीज है आपने इंग्लिश में करनी है। अगर आपको शॉपिफाई में कोई एरर आ गया है तो वो भी आपने सामने वाले से इंग्लिश में ही बात करनी है, फिर जाके ही आपका होगा। और आप ये नहीं कर सकते कि आपने किसी और बंदे को अपना शॉपिफाई का अकाउंट दे दिया और उसने आपके जगह इंग्लिश में सामने वाले से बात कर ली, वो सामने वाले से इंग्लिश में बात नहीं करेगा, आपका अकाउंट ही लेके भाग जाएगा। तो शॉपिफाई बड़ा मुश्किल है, वो आसान नहीं है। जो पढ़े लिखे लोग हैं ना, जो मतलब वेल एजुकेटेड लोग हैं, उनके लिए भी ये जरा मुश्किल हो जाता है शॉपिफाई या अमेजोन को सीखना या करना। तो आपसे नहीं होना था, ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। उसकी निस्बत यूट्यूब बेहद आसान है। एक ऐसा बंदा जो इतना पढ़ा लिखा नहीं है वो बड़ी आसानी से YouTube में एक्सपर्ट हो सकता है, लेकिन आसानी का ये मतलब नहीं है कि मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। मेहनत तो आपको जी तोड़ करनी पड़ेगी, जो सीधी बात है कि जितनी एक मजदूर को मेहनत लगती है ना, उतनी हमें भी लगती है। मेहनत का मसला नहीं, पॉइंट नहीं नजर आ रहा। किस चीज का पॉइंट नहीं नजर आ रहा? ओके, वो अब आपने बता दिया ना, ये कट पे आपने करना है, कब कट पे, तो ये क्या क्या समझ आ रही है मुझे, ये जो आप आपने अभी ऐप में से डाउनलोड किया है। हाँ, कैप कट। हाँ, इसमें तो मुझे समझ आ रही है कि चलो मैंने ये काम करना है, ठीक है। पिछली बार क्रश नहीं समझ आ रही। अच्छा, अब देखें वो आपने किस चीज के ऊपर मेहनत करनी है वो आप मुझ पे छोड़ दें, ठीक है, क्योंकि वो मैंने आपको आहिस्ता आहिस्ता समझाना है। मैं ऐसा नहीं कर सकती
कि एक महीने की चीज आपको एक दिन में समझा दूं, ठीक है ना? तो इसलिए आपको नहीं समझ आएगा कि अभी किस चीज पर आपकी मेहनत होगी, लेकिन जो जो जितना जितना मैं समझा रही हूँ ना, उसको अपने माइंड में बिठाते जाएं। ये अभी हमारा फर्स्ट लेवल है, समझ ले, और अभी 100 लेवल हमने करने हैं। तो आप खुद सोचे, जब फर्स्ट लेवल से 100 लेवल तक आप जाएंगे तो लाजिम है फिर मेहनत खुद ही करनी पड़ेगी, और आपको रास्ते भी नजर आ जाएंगे सारे मेहनत करने के। अभी तक के लिए आपका जो होमवर्क है ना, कल आपने ये करना है कि जितना भी कुछ मैंने आपको कैपकट का सिखा दिया है, इसकी बैठ के आप प्रैक्टिस करो। प्लस ये कि आपने अपने कंटेंट के कुरान के 5 पेजेस जो है वो आज से रीड करना शुरू कर देने, ताकि आप एक सेंसिबल, 1 मिनट किया, बच्चों चुप कर जाओ, और इब्राहिम आपकी आवाज ना है मुझे, ताकि ना एक सेंसिबल आप रिव्यूअर लगो, ये ना लगे कि कोई आके कुछ भी बोल रहा है, ये ना लगे कि बस कोई बंदा है वो बैठ गया है और वो बस हंसी मजाक की बातें किया जा रहा है, उसको ना कुछ आगे का पता है ना कुछ पीछे का पता है, तो ये नहीं होना चाहिए। फिर ऐसे लोग ना इज्जत नहीं करते, वो फिर सिर्फ रोस्ट ही करते हैं, ठीक है? कोई और क्वेश्चन हो आपका तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज ये क्लास यहाँ पे एंड कर देते हैं। इंशाल्लाह कल होगा तो पूछ लेंगे। चलें ठीक है, आओ। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।